देखिए, 1 सितंबर को यूपीए गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिला था, जिस प्रतिनिधिमंडल में मैं भी था, जो खनन पट्टा से संबंधित जो माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप है उसके संबंध में जो ईसीआई का क्या चिट्ठी आया है, क्या है, क्या बातें हैं इसके बारे में। महामहिम राज्यपाल जी ने बिल्कुल स्वीकार किया था कि हमको ईसीआई के द्वारा लिफाफा मिल गया, मैंने खोला भी, मैंने पढ़ा भी, लेकिन कुछ कानून विशेषज्ञों से राय लिया जा रहा है 2 से 3 दिन में स्थिति को स्पष्ट कर दी जाएगी। आज 7 दिन हुआ, स्थिति स्पष्ट नहीं है अभी तक। मामला क्या आखिर जानना चाह रही है, राज्य की जनता भी जानना चाह रही है। सरकार सदन से पूरा बहुमत हासिल किया है, पूरा जनता पर जितना आप ये है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरफ से कहा जाए कि उनको मैंने खरीद फरोख्त का करके और जनता का जो जनादेश है उसका अपमान करने के लिए प्रयासरत है, बता रहे हैं आपको, प्रयासरत है। इनको भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी से मतलब भी नहीं है। सदन से सरना कोर्ट चला गया है, केंद्र से क्यों नहीं बाबूलाल, उसके बारे में तो चुप ही है, कुछ बोलता नहीं। बाकी आदिवासी इशू में कहाँ बोलता है, जहाँ पर आपका राजनीतिक ये करने के लिए वो ड्रामाबाजी करता है, तब है कि विशेषकर महामहिम का जा रहा है। क्या क्या है मामला, कौन सा, अभी आप कितना समय, इतना ये है, पूरा पूरी राज्य की जनता इस बात को जानना चाहिए, चाह रही है, इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय को इसको स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। ऐसे बीच में देखा जा रहा था कि विधायक थे, काफी उठा पटक हुआ, बाहर भी भेजा गया, ऐसे में क्या अभी भी डर लग रहा है विधायक लोग? नहीं, हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई 7 दिन हो गया महामहिम से मिला हुआ, उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करने की बात कही, उनके द्वारा कही गई थी, क्यों नहीं हो रहा है? मैं इस बात के लिए महामहिम जी को क्यों नहीं कह रहा, महामहिम जो पूछना चाह रहा हूँ महामहिम जी को, क्योंकि मैं एक प्रतिनिधिमंडल में मैं भी था, मैंने अपने बात पे को रखा था, तो आखिर आपने जो 2-3 दिन के बाद में कहा, और राज्य की जनता भी जानना चाहती है कि भाई आखिर उस लिफाफा में क्या है, आपके द्वारा जो मंतव्य भेजा गया कि नहीं भेजा गया, मंतव्य भेजा गया तब अभी बोल दे कि मंतव्य भेज दिया गया ईसीआई को, और आप नहीं भेजे हैं तभी आप बता दें कि नहीं भेजे हैं, कब तक भेजेंगे, डिले क्यों? साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, टीसीएस, आईटीसी, कोलगेट, फेडरल बैंक, जेपी मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉरपोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।